पे क्यों नहीं आए? हाँ अभी जस्ट दो मिनट पहले भी ये महेश भाई पूछ रहे थे, बोले मनोज भाई का है, तुम बकवास कर रहे हो इधर, मनोज भाई को लाओ। मैंने कर रहा हूँ भाई, थोड़ी देर करने दे दो, हाथ जोड़ता हूँ। काफी अच्छे शायर भी है और कमेंटेटर है, पता नहीं पहले कमेंटेटर है कि पहले शायर है, मेरे को नहीं पता। शादी से पहले आदमी नहीं, गम में शायरी अच्छी हो सकती है। मनोज भाई आपको क्या लगता है, शादी के पहले कोई अच्छा शायर रहता है कि शादी के बाद होता है? शादी के पहले आशिकी वाली शायरी होती है और शादी के बाद जो होती है आयोडेक्स वाली होती है, आयोडेक्स वाली शायरी होती है। यस वसंत भाई, शादी से पहले रूम में गुलाब इत्र उसकी खुशबू रहती है, शादी के बाद में आप आयोडेक्स मरहम की खुशबू रहती है। नहीं हो तो मैं वसंत भाई, शादी के बाद अक्सर मसले हो जाया करते हैं। वाह वाह, शादी के बाद अक्सर मसले हो जाया करते हैं, बीबी मोटी और मर्द टकले हो जाया करते हैं। वाह 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 वाह, अक्सर यही हाल रहता है। मैं टोपी उतारूं क्या? वैसे मनोज भाई आजकल मोटी होना भी कोई बड़ी बात नहीं, 80 किलो की वाइफ होती है लेकिन बेबी कहके ही बुलाते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ओ बहुत ही अच्छा कैच, ड्रॉप हो गया, बहुत ही अच्छी कोशिश। कल भरत भाई के सास का फोन आया, तो भरत भाई की सास ने बोला कि दामाद जी क्या हालचाल है, बोले हमारा तो ठीक है, आपके घर में तो अब सुकून है ना। मेरे जोक थोड़े 5 मिनट बाद समझ में आता है, बाद में आदमी अकेले हंसेगा। सास मतलब इनकी सास का फोन आया था, आप तो समझ जाएंगे, आपकी सिक्स सेंस मजबूत है। अभी मेरे को भी यहाँ बैठे बैठे है टाइगर बाम की स्मेल आ रही है। बसंत भाई कुछ तो गड़बड़ है, आपने अभी जो बात की शादी के बाद आदमी आयोडेक्स और टाइगर बाम की स्मेल आती है, गुलाब की इतर की नहीं आती है। मनीषा आज भी शादी है क्या? जीतू भाई अलर्ट। स्कोर क्या चल रहा है? स्कोर भी बताते जाओ। 22, दो ओवर में 22 रन। एक माइक और दे दो ना इधर, एक माइक। काफी अच्छा स्कोर चल रहा है, 11 के एवरेज से दो ही विकेट गिरे। भरत भाई जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेशर कब होता है मालूम है आपको? जब एक गोलगप्पा आपके मुंह में हो, दूसरा प्लेट में, और तीसरा वो गोलगप्पे वाला भैया हाथ में लेके आपका मुंह देख रहा हो, तब सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। मेरे को तो प्रेशर एक ही जगह आता है। थोड़ा मैच की तरफ रुक कर लेते हैं, बहुत हंसी मजाक हो गया। 25 रन बन गए हैं, दो विकेट आउट है, और ऋषभ खेल रहा है, स्टार बैट्समैन, आइकॉन प्लेयर, और ओहो एक रन आसानी से वनडी, दो रन वनडी है टीम का नाम अरियंत स्मैशर्स होगा शायद। अरे दोलारी चौका अरियंत स्मैशर्स की सिक्स है, फोर सिक्स दोलानी सिक्सर। बैट्समैन को डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई भी बुला के, और ऋषभ बैटिंग पे सामने वाइड बॉल, भरत भाई और ये आउट होने का खतरा, और नहीं बच गए, बाल बाल बचे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। तो ये मैच हो रहा है अरियंत स्मैशर्स और हाड़ा हिटर्स के। अच्छा स्मैशर्स और हाड़ा, रुपेश भाई और हाड़ा जी के बीच में दो खास दोस्त, दो खास दुश्मन में बदल जाते हैं कभी कभी मैचों में, लेकिन हमारे ये दोनों समझदार है ओनर। बाउंसर मार दिया, बैट्समैन के घायल होने का खतरा था, बच गए। प्रीतेश भरत भाई जो लोग दारू पीते हैं,
दारू तो आजकल क्या पुराना वर्ड हो गया, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। स्पिरिट स्पिरिट, हाँ हाँ, आप क्या बोलते हैं उसके? स्पिरिट स्पिरिट। हाँ, तो ये अपन लोगों के लिए तो दारू ही है क्योंकि हम पीते नहीं है, तो जो दारू पीते हैं उनके 7 गुण होते हैं। एक पैक के बाद में परवक्ता, दूसरे पैक के बाद सत्य वक्ता, तीसरे पैक के बाद में अंग्रेजी वक्ता, और पांचवें पैक के बाद शायर, और छठे पैक के बाद शेर, और आठवें सातवें पैक के बाद में ढेर। इसका मतलब क्या है, आदमी को दारू लेना चाहिए? मतलब 7 पैक तक नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, एक दो में सलट जाना चाहिए। 6 पैक तक सही है, 6 पैक तक आप ले सकते हो, मतलब वो परफेक्ट है। 6 पैक तक आप शेर बने रहोगे, 7वां लिया नहीं और ढेर हो जाओगे। बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे, रनों की गति बहुत ही कम है मेरे हिसाब से, 39 रन तीनों ओवर में, 10 की रन रेट के आसपास चल रहे हैं लोग, तो ठीक है। आपकी बॉलिंग कैसी है उस पर भी निर्भर करता है, हो सकता है बैट्समैन टीम की, हाँ लेट चल रहा है, स्कोर अपडेट नहीं हुआ है लगता है, ठीक है। मैं कभी बोल लूँ तो उसको सीरियस नहीं ले। 3.1 बॉल में 39 रन हुए हैं, शायद अरियंत स्मर्शस के पास में बॉलर अच्छे होंगे तो वो इतनी चिंता नहीं कर रहे रनों की। हमारे इवेंट में सबसे महत्वपूर्ण, भरत भाई सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वाटर। अगर पानी नहीं हो तो खिलाड़ी खेल ना पाए, ऑडियंस बैठ ना पाए, कोई जिंदा नहीं रह सके, बहुत मुश्किल है। जल सेवा उत्तम सेवा, और वो सेवा पिछले 4 साल से हमारे कल्पेश भाई कर रहे, बहुत बड़ी बात है। हाँ, पानी नहीं तो जिंदगानी नहीं, काव्य है, एक मिश्रा जी की बुक है, उनकी उनके अंदर लिखा हुआ है, ये आप जाके पढ़ सकते हैं। महेंद्र भाई नमस्ते, वेलकम, नाश्ता वास्ता कर लिया आपने? कुछ कमी पेशी हो तो बोलिएगा, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। सीनियर सिटीजन को हमने क्या है, हाथ जोड़े, पैर जोड़े, क्या क्या नहीं जोड़ा, लेकिन उन्होंने हमको कुछ नहीं छोड़ा, तो फिर हमने उनको कहीं का ना छोड़ा। स्कोर हो गया है 45 रन, 4 ओवर में 45 रन हो चुके हैं, और अगले एक ओवर में, दो ओवर अभी नहीं, एक ओवर में अब क्या होता है, कितना रन पड़ता है उस पर डिपेंड है कि रन कितने बनते हैं। ये गया और ये एक रन ही बनेगा। और ये आउट होने का खतरा था, आउट हो गए, हाड़ा जी के सुपुत्र ने कैच पकड़ लिया। अभी इवेंट का काम बराबर से चल रहा है, 2-4 कंप्लेन आई है, बाद में बताता हूँ। जीतू भाई की काफी अच्छी कोशिश और एक कल्पेश जी के वाइफ का मूड खराब था, भाभी जी का, चंद्रकांता का मूड खराब था, तो कल्पेश भाई ने फोन किया कि खाने में क्या है, आज खाने में क्या है, तो गुस्से में बोल दिया जहर, तो बोला ठीक है तुम खा लेना, मैं बाद में आऊंगा, हर बार खाऊंगा, आप खा के सो जाना। बसंत भाई, एक अंपायर लोग जरा लंच पे जाएंगे ना, तभी सीनियर सिटीजन मैन और फीमेल दोनों का म्यूजिकल चेयर रखा है 15 मिनट का। हाँ, वो उसी के लायक है, बराबर है। बराबर बराबर, म्यूजिकल चेयर ही खेल पाए, इसीलिए जो भी सीनियर सिटीजन म्यूजिकल चेयर में इंटरेस्ट है, जब अंपायर लंच पे जाए तब आप लोग इधर ही रहना। हाँ, म्यूजिकल चेयर खेला जाएगा। हम आउट, अरे आउट। संकेत भाई, अगर रेस कोच चले गए होते महीना दो महीना तो शायद यहाँ पहुंच जाते आज। तो हमारी इवेंट कोऑर्डिनेटर्स को बसंत भाई एक बार थैंक यू देना पड़ेगा। किसको? सब जो हमारी इवेंट से जुड़े हुए, सबसे पहले हमारे फैंटिक इवेंट वाले अक्षय भाई, संजय भाई। किसके लिए?
अपनी जो इवेंट पूरी संभाल रहे हैं हाँ, उसके लिए क्या मैंने यह सोचा मैंने वो म्यूजिकल चेयर बना रहे सीनियर सिटीजन के उसके लिए तो बसंत भाई टारगेट है 51 का, आर्यन स्मैशर ने 50 बनाया, 51 का टारगेट है। फिर हमारे अंपायर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, दो दिन से नॉन स्टॉप अंपायरिंग कर रहे हैं, खड़े हाँ। रहते हैं, कुछ डिस्काउंट दिया क्या? अभी देखते हैं हाड़ा हिटर्स में लेकिन ये क्या है हाड़ा हिटर्स के जो मिस्टर हाड़ा जी है नरेश हाड़ा जी वो तो आर्यन में है। बसंत भाई ये कैसे हो गया, नरेश हाड़ा जी हाड़ा हिटर्स में नहीं है आर्यन स्मैशर्स में है। हाँ यहाँ पे ये मैग्नम में यही लपड़ा है, भाई को भाई से लड़ाते बाप को बेटे के सामने खड़ा कर देते हैं। हाँ हमारे अगली मैच है सैमियो स्ट्राइकर्स और शाश्वत रॉयल्स की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे टॉस के बॉस स्पॉन्सर शाद जवल धवल जैन की फैमिली से वो यहाँ पर आए टॉस कराने के लिए। धवल जैन भाई की फैमिली से वो यहाँ पर है तो, और सैमियो स्ट्राइकर्स के कैप्टन मोनू आवाज स्लो करो, डीएसपी का फोन आया है केकिन भाई के फोन पे, फोन आ गए बाहर आ गए। अभी हमने म्यूजिक तो क्या कह रहे शहीद कर दिया है उनके पीछे, म्यूजिक आज संडे है कुछ यात्रा पार्टी करनी पड़ेगी। 4 & 6 स्पॉन्सर, ये बहुत ही कम हो गया है तो पूरा बंद कर दिया क्या, थोड़ा आवाज करो, बिल्कुल भी आवाज नहीं है। अरे अक्षय पूरा बंद हो गया थोड़ा कम। हेलो हाँ अभी ठीक है, और एक कैच ड्रॉप हुआ, दो रन भाग के चुरा लिए और ये तीसरे के लिए भागे और हो गया 3 रन। बहुत ही अच्छी, बहुत ही खराब फील्डिंग का मुजाहिरा और उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन, जहां 1 रन होना चाहिए वहां 3 रन चुला रही। ये आ गया हाँ सब, और मेरे पास में स्लो थोड़ी, डीजे वाले को बोलो आप वॉल्यूम तो वो कम करता है ना, मैं माइक से थोड़ी करता हूं। मैं कहां धीरे, मैं तो धीरे ही बोल। अब म्यूजिक तो चला गया, अब कमेंट्री भी ना करे, इतने इनका क्या होगा रोजी रोटी का। हाँ ऐसा ये हुई केकिन भाई वाली बात, ये केकिन भाई वाली बात हुई। हाँ आवाज बड़ा हो ऐसा। हेलो हाँ अभी सही, हेलो मैग्नम, हेलो हेलो मैग्नम, रन 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 और ये आउट होने का खतरा, आउ आउट और रन आउट, आउट आउट आउट। इस टाइम सब पुलिस की परमिशन, पुलिस के साथ उनको इनवाइट करना, इस बार केकिन भाई ने बहुत मेहनत की है पुलिस परमिशन के लिए और उनकी सेवा चाकरी करने के लिए बहुत कुछ किया है, तो कोई तकलीफ नहीं है। वैसे म्यूजिक हमारा शहीद हो गया है डीजे तो चार रन बहुत अच्छा शॉट, क्रिश दोलानी चौका, क्रिश हमारे परपुल भाई के सुपुत्र, हमारे बिल्डिंग के साबू है चाचा चौधरी वाले प्रपुल भाई। बस ये है कि साबू को जादू आता था, इसको जादू नहीं आता है इनको। हाँ लेकिन गेम में तो जादू बताया उन्होंने आज हमको लास्ट ओवर में जिता के दिया मैच को, तो उन्होंने साबू वाला काम किया। चाचा चौधरी हमारे कल्पेश भाई, उनका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है।
11 ओवर 11 रन बन गए दो ओवर के बाद, बहुत ही सदी हुई बॉलिंग, टाइट और लेंथ, लाइन और लेंथ, और ये आउट होने का खतरा है और आउट हो गए हैं। अभी हमारे नए बैट्समैन जिगर, जिगर में आग है कि नहीं जिगर भाई? मिश्रा जी बोलते ना जिगर में बड़ी आग है, तो ये जिगर में आग है कि नहीं, अभी साबित हो जाएगा कि जिगर में आग है कि नहीं। डीजे 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 डीजे, थोड़ी आवाज तेज ही रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी लंच टाइम है, बॉक्स बना देंगे हम। शॉट अच्छा है, दोलाने सिक्सर आता हुआ, 6 रन। क्रिस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिगर को भी वहां पर खेलना होगा अच्छे से। केकिन भाई लंच का टाइम हो गया ना, वो याद दिला रहे आपको, याद दिला रहे लंच हो गया बोले। अड़ा हिटर्स दो ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे, इस ओवर से 8 रन आए। क्रिस 8 पर खेल रहे हैं, 1 पर खेल रहे हैं वहां पर जिगर। एक और विकेट का पतन। सोलह बॉल 30 रन। क्या आड़ा हिटर्स की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी, क्या रन बन पाएंगे? एक कैटर्स टीम को बोलो ना, वो पानी का व्यवस्था करेगा इधर, है क्या? हाँ पढ़ा है, पढ़ा, सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। नहीं आप पानी हो, आप ले लीजिए, बस शब्द मत लीजिए। दर्शन इस समय बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हुए। हवा में खेला, एक और विकेट का पतन, आड़ा हिटर्स की टीम फंसती जा रही है। अब इस जिगर में कितनी आग है वही देखने वाली बात है, क्योंकि यहीं से रन बनाने होंगे और इन्हीं से उम्मीद है। कोई बैट्समैन साथ नहीं दे पा रहा है, बहुत परेशान से नजर आ रहे हैं वहां पर जिगर। बचपन में सिटी की प्रैक्टिस बहुत किया था वसंत भाई ने, एक बार ऐसे ही जब पढ़ाई कर रहे थे सिटी बज गई थी, सर ने खड़ा कर दिया कि सिटी बजी, फिर सर ने आपकी सिटी बजा दी होगी। हाँ इसलिए बोलते हैं स्कूल में सिटी नहीं सीखना चाहिए, नहीं तो अपनी सिटी बज जाती है, बज जाती है, उसके बाद सीखनी चाहिए। अभी क्या करेंगे, सिटी तो बचपन से ही बच्चा सीख लेता है, प्रतिदिन सुनता है घर में कुकर की सीटी बजती है। हाँ नहीं आजकल वापस वो सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव हो गया, तो इंस्टाग्राम फेसबुक सीटी बजाना सीख ही लेता है। थोड़ा वॉल्यूम हल्का सा बढ़े तो फिर वो शायरी निकले। एक और विकेट का पतन होता हुआ यहां पर जाते हुए, लेफ्टी बैट्समैन, बल्ला पकड़ने का अंदाज अलग है, बल्लेबाज अलग है, जितेंद्र।
बहुत स्टाइल में देखिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। हाँ ये हमारे जीतू भाई है, जीतू भाई के बारे में एक बात बोल सकते हैं। भाभी जी ने उनको बोला कि आपने कोई काम वाली से लपड़ा किया क्या? ये जीतू भाई नहीं, एनीवन। तो बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कल वो मेरे को मैम साहब बोल रही थी, आज दीदी दीदी बोल रही थी वो रोज मेरे को मैम साहब बोलती है, आज दीदी दीदी बोल रही थी। माइंड कितना तेज होता है ना, पकड़ में चीजें आ जाती है। भरत भाई काम पे, भरत भाई कौन है ये? भरत भाई, भरत भाई आने वाली पीढ़ी को संभाल रहे हैं, क्योंकि अभी इनका टाटा से अभी बहुत ही कम साल रह गए इनके टाटा में। आने वाले टाइम में ये पार्ट टाइम बिजनेस यही लेने वाले हैं भविष्य की पीढ़ी को संभालने का। जैसे अमेरिका में बेबी सीटर होता है वैसे। जैसा मैंने कल बोला था ना मनोज जी, अपने यहाँ लोग विदेशों में लोग बच्चों को खिलौने देते हैं, अपने यहाँ एक और पैदा कर देते हैं कि वो उसके साथ खेलेगा, तभी तो पॉपुलेशन में हम आगे हैं। अभी हमारे महिपाल जी बॉर्डर पे जा रहे हैं, इनका नेपाल बॉर्डर पे ड्यूटी लगा है। नाम महिपाल, जाएंगे खड़े हो जाएंगे, बॉर्डर होगा नेपाल। क्या हुआ तेरा वादा, क्यों वालो? अच्छा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है, इसमें जो टीम हारेगी वो बाहर जाएगी। कल्पेश भाई अपने बचपन को याद करते हुए, और कल्पेश भाई ज़्यादा गुम मत हो जाना और आगे के लिए प्लानिंग मत कर देना, ज़्यादा मोह मत पाल लेना। हाँ ऐसा नहीं कि फिर पिताजी और दादाजी साथ में बन जाओ। हमारे नरेश जी आड़ा जी पधार गए हैं, रोहित भाई उन्हें ससम्मान ग्राउंड के अंदर लाते हुए तालियों से आप सभी लोग स्वागत करें। नरेश जी से स्वागत कीजिए हमारे हाड़ा जी का। पिछले साल इनका 4N6 का स्पॉन्सरशिप था, बहुत नाम उछला था मार्केट में इनका, बहुत नाम उछला था नाम उछला था ग्राउंड में हिंदी में टेबल को कहते हैं पहाड़ा, ये है मिस्टर नरेश हाड़ा। और सब टीमों को डाल दिए खाड़ा। मैच शुरू होने जा रहा है, ये जो दो टीमें हैं अरिहंत स्मैशर्स वर्सेस अरिहंत, अरिहंत नहीं होगा दूसरा होगा, नहीं दूसरा है वो, अभी दिख रहा है कुछ अलग। हाड़ा राइडर्स हिटर्स, हाँ वही ना वही। अच्छा सेमियो और शाश्वत का मैच है, और इसमें शाश्वत को जीतना जरूरी है।
में किसका पीयूष बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए लेफ्टी गेंदबाज उनके सामने इस गेंद को उठा करके खेला है, एक रन यहां पर मिल जाएगा। महिपाल भाई हैं उस ओर, इधर महेश भाई बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार। ये गेंद शॉट अच्छा है, दमदार है, रनआउट का खतरा था।